राम राम भाई सारा ने स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज है 1 नवंबर, हरियाणा डे। आज सरकारी छुट्टी है, आज हमारे ऑफिस से भी छुट्टी है, तो हम अपना घूमने का मजा लेने जा रहे हैं। आज निकला हूँ अभी घर से, देखते हैं अभी एक दोस्त को उठाना है साथ में, हम फिर दोनों जाएंगे। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आज पूरा दिन का ही शेड्यूल है। कभी इधर घूमना है, कभी उधर घूमना है। दिवाली की शॉपिंग करेंगे या कुछ और करते हैं। ये चल दिए हम सुबह सुबह, सड़कें सारी खाली है, ट्रैफिक जाम भी नहीं है आज, बिल्कुल खाली रोड पड़े। एक गाड़ी कैसे एक्सीडेंट खड़ी है यहाँ पर, यहाँ वर्कशॉप है, वर्कशॉप की गाड़ियाँ है। पता नहीं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे एक्सीडेंट हो जाती है। सब गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलाया करो, सेफ रहो और सेफ रखो। सुबह सुबह घर से निकलने का ये सबसे बढ़िया मज़ा है कि रोड सारे खाली मिलते हैं, कहीं कोई जाम वगैरह नहीं मिलता। वरना दिन में तो इतना जाम हो जाता सड़कों पर कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर, वेट कर रहा हूँ दोस्त का जो आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। मुझे 7:30 का टाइम दिया था जबकि मैं खुद लेट हूँ, और भाई साहब मेरे से भी ज़्यादा लेट है। फ़ोन किया है, बोल रहा है 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तब तक बैठा हूँ मैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं हम इसका, देखो कब तक आता है भाई साहब, फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। भाई ये आ गए भाई साहब हमारे, लेट लतीफ 10 मिनट का टाइम लेके पूरे 1 घंटे बाद आ रहे हैं। हाँ जी सर, कैसा कैसा फील कर रहे हैं आप इतनी लेट आने के बाद? बहुत बुरा। यहाँ पर टाइम 8:15, 7:30 का टाइम दिया होता, 8:15 पहुँचे हैं। भाई साहब की होगी तबीयत खराब, लेने पहुँच के दवाई हो गई, देखो वो दवाई लेने जा रहे हैं। रात को तो घूमते रहेंगे बाइक पे बिना कुछ पहने, मौसम ठंडा हो ही रखा है, ध्यान देना नहीं है तो इसलिए तबीयत खराब हो गई। अब वहाँ केमिस्ट की शॉप पे खड़े हो गए, दवाइयाँ ली जा रही हैं। भैया पहले ध्यान रखना नहीं, बाद में दवाई लेते फिर क्या फ़ायदा इसी चीज़ का। मौसम बदल रहा है भाई, भाई लोगों अपना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे मौसम में तबीयत ख़राब होने का डर बहुत ज़्यादा है। इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग ना हो उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए अपना ध्यान रखो, सेफ रहो। ये पहुँच गए हम जहाँ पर हमें आना था थोड़ी देर के लिए, एक दोस्त के पास काम से आए हैं गाड़ी की सर्विस करवाने। सर्विस करवाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, शाम को जाना है, देखेंगे दिवाली के लिए कुछ ख़रीदारी करने के लिए, फिर वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या करते हैं।